हेलो एवरीवन, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम यूजुअली वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, पर आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे आइडियाज़ शेयर करूंगी जिससे आप इन वेस्ट चीज़ों को खूबसूरत होम डेकोर आइटम्स में बदल सकते हैं। सबसे पहला DIY है ये बाइसाइकिल टायर वॉल डेकोर। इसके लिए एक टायर लेकर इसे स्प्रे पेंट मार देना आपने, और फिर थोड़े फ्लावर्स जो हैं फेक फ्लावर्स इसे आप चिपका दीजिए ऑन द बॉर्डर। एंड अगर आप चाहते हैं तो उस पर नेम प्लेट भी लगा सकते हैं अगर आप दरवाजे के बाहर टंगा रहे हो या बालकनी में। मैंने हेलो साइन घर पर बनाया था विथ वायर। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसे किला लगा के आप दीवार पर टंगा सकते हैं। इट लुक्स सो ब्यूटिफुल इनडोर एंड आउटडोर के लिए। दूसरा DIY है ये सूखे हुए पाम लीफ को इस्तेमाल करके इस एक ब्यूटीफुल सा शो डेकोर बनाना। इसे मैंने धोकर एक कॉर्नर में पॉट के अंदर डाल दिया है एंड मैंने इसे फेरी लाइट से सजा दिया। अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है विदाउट एनी एफर्ट्स। इसे आप इवेंट्स में, घर में, बाहर कैसे भी सजा सकते हैं। तीसरा ये बर्ड केज प्लांटर। तो मेरे पास ये केज था जिसकी बर्ड्स मर चुकी थी, तो एक खाली पड़ा हुआ था। मैंने सोचा स्प्रे पेंट मारते हैं, इसे एक ब्यूटीफुल सा लुक देते हैं। तो मैंने यहाँ गोल्ड स्प्रे पेंट मारा एंड देन मैंने इसके अंदर कुछ प्लांट्स रखे, तो मैंने कुछ प्रोपोगेट करने के लिए प्लांट्स काट के रखे थे तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और इसके ऊपर केज को मैं डालकर इसके अंदर फिर मैं फेरी लाइट्स डालूँगी ताकि ये ब्यूटीफुल सा नाइट लैम्प कम प्लांटर जैसा लगे, और ये रात में लगाने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप चाहें तो इसमें सिर्फ लाइट्स भी लगा सकते हैं, बहुत सारी फेरी लाइट्स, लेकिन अगर आप प्लांट्स भी डालें अंदर ना तो बहुत प्यारा लगता है। इसको वाटर करने के लिए आपको सिंपली केज को उठा देना है और उसमें आप पानी डाल सकते हैं, और आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। देखिए आप रात के टाइम पे मैंने इसे जला के रखा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, एंड सो एफर्टलेस अगेन। चौथा DIY ये डोर मैट से बनी हुई वॉल टेपेस्ट्री। वॉल टेपेस्ट्री बहुत इन है एंड ये बहुत खूबसूरत लगती है दीवार पे। तो मैंने ये डोर मैट था मेरे पास ब्रांड न्यू पड़ा हुआ, इस पर मैंने हॉट ग्लू गन की मदद से ये स्टिक एक एंड पे लगा दिया टू होल्ड इट, और दूसरे एंड पे मैं ये लेस लगा रही हूँ। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, मिरर्स लगा सकते हैं, वुल लगा सकते हैं। एंड इस तरह मैंने इसे नीचे बॉर्डर दे दिया है। जो स्टिक है एंड में उस पर आपको धागा या जूट रोप जैसी कोई चीज़ बांध देनी है ताकि आप दीवार पर इसे टंगा सकें, और बस सिंपली रेडी हो गया आपका ब्यूटीफुल सा वॉल टेपेस्ट्री यूजिंग अ डोर मैट। पांचवा DIY है ये विकर बास्केट से बना हुआ प्लांट होल्डर। ये जो है ये केन बास्केट भी आप इसे कह सकते हैं। इसे मैं एक आर्टिफिशियल प्लांट होल्डर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास एक लेस पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो इस लेस को इस्तेमाल करते हैं ऐसा एक पॉकेट बनाने के लिए जिसमें हम प्लांट लगा सकें। अब क्योंकि मेरी लेस थोड़ी पतली है, इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं दो लेस इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैं एक के ऊपर एक चिपकाऊँगी। अगर आपकी लेस ज़्यादा चौड़ाई में मतलब बड़ी है तो एक ही काफ़ी होगी। अब आप तीनों तरफ से इसे अच्छे से सील कर देना है ताकि प्लांट जो है आप उसमें लगाएं वो गिरे नहीं। एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि ये लेस है, लेस हल्की होती है, इट्स फैब्रिक, तो ये कहीं गिर ना जाए, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ करना है और अच्छे से उसे ड्राई होने देना है। उसके बाद ही आप इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं। अब मैंने इसे दीवार पे लगा दिया है और ये हल्का वाला एक प्लांट है आर्टिफिशियल, उसे मैं लगा रही हूँ और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने इसे बेड के पीछे लगाया था, मैंने इसमें बुके भी लगाया था ऑल्टरनेटिवली। आप बताइए आपको बुके इसमें ज़्यादा बेटर लगा कि ये हैंगिंग प्लांट। और हमारा नेक्स्ट DIY ये ब्यूटीफुल ग्लास बॉटल वॉल हैंगिंग। ये बड़ा ही रोमांटिक वॉल डेकोर है। इसके लिए आपको ब्रांच का इस्तेमाल करना है या कोई भी स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं आप। जूट रोप की मदद से आप बॉटल और ब्रांच को कनेक्ट कर दीजिए। ये मेरे पास मिल्क बॉटल्स पड़ी हुई थी, आप प्लास्टिक बॉटल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रांच के एंड पे आप रोप बांधिए सपोर्ट के लिए एंड दैट्स इट, इसे दीवार पे टांग दीजिए। अब बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप बॉटल में किस चीज़ को लगाते हैं, कैसे डेकोरेट करते हैं। मैंने इसमें फ्रेश फ्लावर्स लगाए थे, रोज़ फ्लावर्स एंड बेबीज़ ब्रेथ फ्लावर्स, एंड ये बहुत ब्यूटीफुल वाइब दे रहे थे। आप इसमें सनफ्लावर्स लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट भी लगा सकते हैं, बट डू गिव दिस DIY अ ट्राई, इट इज़ ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी। अब है बारी हमारे सेवेंथ
DIY की जो है ये कार्डबोर्ड ट्यूब से बना हुआ ब्यूटीफुल सा हैंगिंग लैम्प. ये मैंने किचन रोल के ट्यूब्स जो थे उसे सेव किया था एंड आई एम यूजिंग इट नाउ टू ग्लू बैक टू बैक. इसको हमने एक राउंड सर्कल शेप में बनाना है, इसलिए मैंने प्लेसमैट बीच में रखा है ताकि मुझे शेप मिल सके. और फिर अगर आपके पास कोई गैप आपको नज़र आता है तो आप उसको हॉट ग्लू गन से फिल कर सकते हैं. अब जो वायर बल्ब है उसको सेंटर में लगाना है, तो उसे मेजर कर लीजिए आपको कितनी हाइट पे चाहिए. फिर बारबेक्यू स्क्यूअर्स या वुडन स्टिक की मदद से उसे सेंटर में आपको चिपका देना है, जैसे मैं कर रही हूँ. बार ये ग्लू हो जाए अच्छे से स्टिक्स, तो आप इसमें वायर बल्ब लगा के उसे टेस्ट करके देख लीजिए कि ये अच्छे से ग्लू हुआ है कि नहीं. उसके बाद आप इसमें बल्ब लगा दीजिए एंड देन इट्स रेडी टू हैंग. मुझे एज इट इज़ ब्राउन कलर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको टेक्सचर्ड फिनिश देने के लिए इस पर वाइट पेंट विद बेकिंग सोडा लगाकर इसे टेक्सचर्ड फिनिश दिया है एंड आई एम लविंग इट. ये हमारे आखिरी DIY की जो कि एक प्लांटर मैं बना रही हूँ यूजिंग स्पेयर कप. आपको दो कप्स को एक के ऊपर एक इस तरह चिपका देना है. मैंने हॉट ग्लू गन इस्तेमाल किया है एंड इसके अंदर आप अपने प्लांट को लगा दीजिए. मैंने मनी प्लांट यूज़ किया है एंड दैट्स इट. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. सो विद दिस वी कम टू एन एंड. आज के लिए इतना ही. आई होप आपको आज मैंने जो आइडियाज़ शेयर किए वो पसंद आए. तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. बाय बाय.